राधे राधे दोस्तों, सखाओं टीवी सीरियल्स में श्री राधा माँ और श्री कृष्ण जी की जो प्रेम लीलाएं हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे अक्सर ये दिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा मैया के चरणों को पकड़कर उनको सेवा कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इस घटना के पीछे की असली कारण, चलिए आज सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। सीरियल्स में दिखाए जाने वाले घटनाओं के अनुसार वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री राधा माँ का प्रेम मिलन के समय सेवा कुंज में ये घटना घटित हुआ था। श्री राधा को मनाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी चरण कमलों को पकड़कर विनती करते थे और प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करते थे। कैसा है ये सेवा कुंज? सेवा कुंज, यहाँ पर सेवा का अर्थ है सेवा करना और कुंज का अर्थ है बन। कहा जाता है कि इसी स्थान पर कार्तिक मास की पहली पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला किए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को मालिश करते थे और उन्हें सिंदूर से सजाते थे। श्री राधा मैया के सुंदर लंबे बालों को कंघी करने के बाद भगवान श्री कृष्ण खुद उन्हें रासलीला से पहले फूलों और रत्नों से भरे हुए आभूषणों से सजाते थे। आज भी वृंदावन के निधिवन में स्थित रंगपहल मंदिर में श्री राधा और श्री कृष्ण की इन खूबसूरत लीलाओं को सुंदर चित्रों के रूप में वर्णन किया गया है। रंगमहल मंदिर के पास ललिता कुंड है। रासलीला के समय माता ललिता सखी की प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने इसे बनाया था। कहा जाता है अभी भी यहाँ हर रात श्री कृष्ण और राधा मैया की रासलीला होती है, जो केवल शुद्ध भक्त ही अपने आंखों से देख सकते हैं। इस कारण सूर्यास्त के बाद सेवा कुंज के भीतर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। दिन के समय इस स्थान पर कई सारे बंदर रहते हैं, लेकिन दिन के ढलने के बाद वो भी चले जाते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान रात में इस सेवा कुंज और निधिवन में प्रवेश करता है तो वो तुरंत पागल हो जाता है। और इस सेवा कुंज में रात में घटित कई सारे भयंकर अलौकिक घटनाओं के बारे में भी जाना जाता है। क्या आप निधिवन के उन रहस्यमय अद्भुत घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं रात में कैसा लगता है निधिवन, तो अवश्य हमें कमेंट्स में बताइए। हम फिर निधिवन के इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में और एक वीडियो लाएंगे। और अगर आपको श्री राधा और श्री कृष्ण के इस प्रेममय स्थान के बारे में ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।